पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था। गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा उठती थी। गांव का ही एक सिपाही फौज में था और छुट्टियों में आया हुआ था। उसने अब्दुल को राय दी, फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम भी क्यों नहीं भर्ती हो जाते। उसके अब्बा यह सुन नाराज होकर बोले, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हम नहीं जाने देंगे लाम पे। उन्होंने अपनी बीवी से सलाह कर अब्दुल हमीद की शादी कर दी। सोचा अब तो पलटन में ना जाएगा। अब्दुल की बीवी रसूलन अच्छे स्वभाव की थी। उसने अब्दुल की बेचैनी देखी, वो बोली, सूरमा बनना है तो कलुआ की तरह चले जाओ पलटन में, मैं सच्चे मन से कहती हूँ। रसूलन ने दिल पर पत्थर रखकर अब्दुल को भर्ती दफ्तर भेज दिया। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर वह भर्ती हो गया। सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग खत्म होते होते चीन का आक्रमण हो गया। अब्दुल भी मोर्चे पर गया। चीनी सैनिकों ने भारी संख्या में बढ़ना शुरू किया। भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी। बहुत से जवान रास्ता भटक गए और कुछ मर भी गए। अब्दुल और उसके दो साथी लंबे रास्ते से चलकर बच निकले। 10-15 दिनों तक बचकर अपने इलाके में पहुंचे। कलवा की मौत सुन अब्दुल सकते में आ गया। फिर एक दिन भारत का झंडा देख घायल अब्दुल को वहां पहुंच खबर मिली कि लड़ाई बंद हो गई है और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई। अब्दुल के घर पहुंचने पर गांव में खुशी मनाई गई। कलुआ की मां ने अब्दुल से कहा, मेरा लाल कहां है बेटा? माता जी, कलुआ ने बहुत बहादुरी और साहस से दुश्मनों का सामना किया, पर मुझे अफसोस है वो हमारे बीच ना रहा। मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु से पाकिस्तान को भारत के टुकड़े करने का अवसर मिला और उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब में घुसपैठिए भेजे। 10 सितंबर 1965 को सुबह 8 बजे खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। वहां अब्दुल अपनी कंपनी को लेकर जा डटा। एक जीप में सवार अब्दुल ने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपने गोलों से उड़ा दिया। अब दुश्मन के टैंकों ने अब्दुल के चारों ओर घेरा डाल दिया। अब्दुल अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को भुलावे में डालता रहा। उनकी तोपें और टैंकों ने उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया, किंतु अब्दुल का हौसला पस्त ना हुआ। बढ़ते बढ़ते खेमकरण में टैंक खेत होते रहे और वहां दुश्मन के टैंकों का पाकिस्तान सा बन गया। अकेला अब्दुल अपनी मशीन गन से 2 टैंकों को आग लगाकर तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार कर रहा था। उसी समय उसकी जीप एक चलते टैंक से टकरा गई। अब्दुल की बहादुरी से उसके साथियों के हौसले बढ़े और इस तरह भारतीय जमीन से शत्रु सेना भाग गई। अब्दुल पूरी तरह घायल हो गया था। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया, आंखें खराब हो गईं। वह वहीं शहीद हो गया। उसके घर पर रसूलन, उनके 2 लड़कों और 1 लड़की को अब्दुल के शहीद होने की खबर मिली तो उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या। उसने वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा कर दिया। मरने के बाद सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है।